बिजनौर के महिला जिला अस्पताल में एक ही रात में 5 नवजात बच्चों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि पैसे देने के बाद भी डिलीवरी में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते 2 लड़कों व लड़कियों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल में एडमिट और मरीजों का कहना है कि हर डिलीवरी पर मैडम को 1500 से लेकर 2500 तक दिए जाते हैं। पीड़ित परिजन सरकार के दोषी डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ के खिलाफ जांच करवा कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं महिला CMS आभा वर्मा ने 2 नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि की है। अधिक बच्चों की उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपको? शबनम जी, आप जो जिला अस्पताल महिला जिला अस्पताल में पेशेंट आया था, क्या है पूरा मामला? ये जुमे के दिन आए थे हम, इनको लाके भर्ती करी थी। कहाँ भर्ती किया था? सरकारी अस्पताल में। जो हमारे बच्चों की मौत हुई है उसमें पेशेंट ही बहुत सीरियस थे। एक पेशेंट थे, उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड हमने पहले कराया था, तो बच्चे अल्ट्रासाउंड में बच्चा IUD आया था, मतलब बच्चे की मौत हो चुकी थी पेट में। उसकी डिलीवरी जो हमने नॉर्मल कराई है तो ऑलरेडी वो डेड था बेबी। दूसरा पेशेंट था जिसके 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, पेशेंट बहुत एनीमिक थी, उसको हमने ब्लड वगैरह भी चढ़ाया। उसे मरीज भी सीरियस थी और बच्चा भी सीरियस था, ये बात हमने उसको पहले बताती है। लापरवाही का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मैडम को ये कहते हैं कि आपने स्टाफ से शिकायत की तो स्टाफ ने हमारे साथ अभद्र कर दिया है। ऐसा नहीं है, अब जो दुखी होता है उसके मन में हर चीज के लिए दुख है उनका, उससे तो हमें भी सिंपैथी है उनके, पर हम हर चीज उनको एक्सप्लेन कर चुके थे। कुछ परिजनों का आरोप है कि ये देखने के लिए कहा तो स्टाफ देखने भी नहीं आया। ऐसा नहीं है, हमारा स्टाफ तो अपनी हर तरह से कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करे।